प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि 29 मार्च 2022 को आपकी कक्षा 9 गणित की परीक्षा है। प्यारे बच्चों, गणित की परीक्षा की तैयारी के लिए हरियाणा बोर्ड ने एक सैंपल पेपर जारी किया है, जिसमें उसने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आइए हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी इस सैंपल पेपर का में किस तरह के जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और इनका हल भी देखते हैं। तो ये जो सैंपल पेपर है, आपकी जो पैटर्न है कक्षा 9 के गणित के पेपर का, उसके बारे में भी आपको इससे पता चल जाएगा और आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन भी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, समय रहेगा जो आपका परीक्षा का वो 2 घंटे और 30 मिनट का रहेगा और जो मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स है वो है 80। आपका जो पेपर है उसमें 4 सेक्शन है। सेक्शन ए जिसमें एक एक अंक के क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, वन वर्ड भी हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे एक एक अंक के लिए होंगे। ठीक इसी तरह से जो सेक्शन बी है आपका, इसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे और जो 5 क्वेश्चन होंगे इनमें से प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, यानी कि 2-2 अंक के आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी में इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे और ये जो 5 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक के कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। इसके अलावा सेक्शन डी है हमारे पास, सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन होंगे और इन तीनों क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के होंगे? 5-5 अंक के ये क्वेश्चन होंगे। अब आप देखेंगे 40 क्वेश्चन आएंगे एक एक अंक के लिए, यानी कि 40 मार्क्स हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 अंक के लिए, यानी कि 10 मार्क्स हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे 3-3 अंक के लिए, 15 मार्क्स हो जाएंगे। और 3 क्वेश्चन आएंगे 5-5 अंक के लिए, ये 15 हो जाएंगे। तो आप इनका टोटल करेंगे तो यहां से जो मार्क्स है आपके, मार्क्स का जो टोटल हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। और कुल कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 और 5 45, 50 और 3 53। तो आपके एग्जाम में कुल 53 क्वेश्चन आएंगे और वो कितने मार्क्स के लिए होंगे? 80 मार्क्स के लिए होंगे। तो आइए एक बार पूरे सिलेबस की हम एक रिवीजन कर लेते हैं। इस पैटर्न के हिसाब से जो आपका फाइनल एग्जाम आएगा उसमें इस पैटर्न के हिसाब से पूरे सिलेबस की हम रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। अब आप देखेंगे वर्गमूल दो एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये? अपरिमेय। तो ये जो संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। जीरो, जीरो एक परिमेय संख्या है, यानी कि क्योंकि हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। वर्गमूल 4, इससे हमें 2 मिल जाएगा तो 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। और ये वर्गमूल के अंदर अगर माइनस भी आ जाए किसी संख्या के साथ तो फिर वो ना तो परिमेय होगी ना अपरिमेय होगी। तो ये तो अलग हो जाएगा, बिल्कुल मामला ही अलग हो जाएगा, ये आपके सिलेबस से बाहर चली जाएगी बात। तो यहां से पूछा गया है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां से इसका निशान भी हटा सकते हैं। तो अगर ये माइनस हम हटा देते हैं तो यहां से वर्गमूल 16 से हमें 4 मिल जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि हमारे पास जो वर्गमूल 2 है वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं है, यानी कि वो कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो हमारे पास वर्गमूल 2 एक
अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, 0.47 बार का पी बटा क्यू रूप है, तो इसको पी बटा क्यू रूप में हमें लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हमारे पास इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। ये हो गया 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ ना, तो यानी कि 4747 ऐसे चलता रहेगा। अब इसको हम जब 10 से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और ये दशमलव खिसक के इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.7 4747 ऐसे चलेगा। अब देखो, इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो ठीक ढंग से ये माइनस नहीं होगा, पूरा पूरा हमें नहीं मिलेगा, तो हम इसको 100 से गुना करते हैं। तो अगर हम 100x लिखें तो हम यहां पे देखो, ये दशमलव है जो दो हम किधर सरक जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.47 4747 ऐसे चलेगा। ये समीकरण एक, ये समीकरण दो और ये समीकरण तीन। अब हम क्या करते हैं, समीकरण एक को घटा देते हैं। ये हमारे पास 100x - x, इसमें से ये घटा दिया। अब इधर देखो, 4.47 4747 ऐसे चल रहा है और ये है 0.4747 ऐसे चल रहा है। तो जब आप इसमें से ये घटाएंगे तो देखो, ये 0.0000 और ये 4.7 ऐसे चलेगा। तो 4.7 के बाद ये सारे जीरो आ गए। इसी वजह से हमने क्या किया, 10x में से x नहीं घटाया। देखो, अगर हम 4.7 4747 इसमें से 0.4747 इस तरह से घटाते तो आप देखेंगे कि ये इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इससे हमें ऐसे 0.0 नहीं मिलेगा। जैसे इस यहां पे हमें 0.0 मिल गया ना, ये वाला, ऐसे यहां पे 0.0 नहीं मिलेगा अगर हम इसको घटाएंगे। देखो, इसके नीचे ये और यहां पे अगर हम 4 लिख दें तो 7 में से 4 3 और ये 14 में से 7 गए 7, 6 में से 4 2 और ये 14 में से गए 7 7, फिर ये 2.4, तो इस तरह से मिलेगा। तो आपको इस तरह से एडजस्टमेंट करनी है कि दशमलव के बाद सारे जीरो हों। अब देखो, 100x में से x चला जाएगा तो 99x आ जाएंगे, 99x बराबर है 47 कि दशमलव के बाद सारे जीरो, तो इसको छोड़ देते हैं, तो x बराबर है 47/99। तो ये आंसर आ गया। तो इसका जो p बटा क्यू रूप हो गया वो हो गया 47/99। तो ये इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या दो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीन की तरफ। प्रश्न संख्या तीन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बताइए। हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बताना है। तो हम लिखेंगे कि 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप क्या करोगे, उन दोनों को जोड़ दो, 3 जमा 4 और बटे में 2 कर दो, दोनों को जोड़ के और उसके बटे में 2 करना है आपको, यानी कि ये हो गया 7/2, यानी कि 3.5। तो प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। तो ये आ गया, हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या तीन। अच्छा, अगर वो और कहता कि और 2-3 संख्या निकालनी है, तो फिर एक ये ले लो और एक ये ले लो, दोनों को जोड़ के उनको 2 से भाग कर दो, एक और आ जाएगी। फिर एक बार ये ले लो, एक बार ये ले लो, दोनों को जोड़ के फिर उसको 2 से भाग कर दो, एक और आ जाएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं है। अब देखो, ये हर है, इनके दोनों एक जैसे हैं, ये हर है, इनके दोनों एक जैसे हैं, दोनों में 5 है। तो आप देख लो कि 4 और 9 के बीच में, देखो 4 और 9 के बीच में, 4 के बाद
तो चार से बड़ी बड़ा आएगा नौ तक। अब ये देखो तीन, तीन बटा पांच है तो तीन बटा पांच चार के बाद तो चार, चार दशमलव एक, चार दशमलव दो, चार दशमलव तीन, इससे आगे ही बढ़ेगा चार से नौ तक, लेकिन ये तो क्या हो गया पीछे रह गया, तो ये तो नहीं हो सकता। और देखें चार के बाद पांच, पांच बटा पांच हो सकता है, छह बटा पांच भी हो सकता है, आठ बटा पांच भी हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल हो सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इनके बीच में नहीं आएगा, ये तो चार, चार बटा पांच से पहले आएगा तीन बटा पांच। तो इस, यही पूछा कि कौन इनके बीच में नहीं है, तो इनके बीच में कौन नहीं है, तीन बटा पांच, तो ए हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद पांचवा जो प्रश्न है काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, इसमें कहा गया कि दो एक्स स्क्वायर, दो दो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है। अब देखो मान लो ये पांच एक्स स्क्वायर होता तो इसका गुणांक होता पांच, अगर ये माइनस सात एक्स स्क्वायर होता तो इसका गुणांक होता माइनस सात, अगर ये तीन बटा दो एक्स स्क्वायर होता तो इसका गुणांक होता तीन बटा दो। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये है हमारे पास, ये नहीं देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के लिए हमें ये लेना पड़ेगा सारा, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, एक तो माइनस नजर आ रहा है तो माइनस लिख दिया, अगर आगे कुछ ना लिखा हो तो ये कितना होता है एक एक्स स्क्वायर, यानी कि ये माइनस एक एक्स स्क्वायर है, एक को हम लिखते नहीं है, यानी कि एक्स का मतलब किससे होता है एक एक्स से, एक्स स्क्वायर का मतलब भी किससे होता है एक एक्स स्क्वायर से, माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब किससे हो जाएगा माइनस एक एक्स स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा माइनस ए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या पांच। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या छह की तरफ, काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में भी आपके एग्जाम में ये आ सकता है। इसमें कहा गया है कि छह वाई स्क्वायर माइनस चार वाई जमा एक का गुणनखंड कीजिए, तो आपको सॉरी चार वाई स्क्वायर, तो चार वाई स्क्वायर माइनस चार वाई जमा एक इसका गुणनखंड करना है। अब आप देखो गुणनखंड इसके बनाने हैं, एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप इसको ऐसे कर लो, देखो जोड़ हमारे पास कितना होना चाहिए, जोड़ जो इसके साथ लगा हुआ है कितना लगा हुआ है माइनस चार, और गुना कितनी होनी चाहिए इसकी और इसकी गुना, एक गुना में चार यानी के चार। अब ऐसे दो टुकड़े सोचने हैं हमें, तो हमने इनको सोचा दो और दो की गुना करेंगे तो चार हो जाएगा, जोड़ेंगे तब भी चार आएगा, लेकिन माइनस चार चाहिए तो दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस दो और माइनस दो माइनस चार, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसकी जगह पे ये लिखेंगे वाई लगा के, चार वाई स्क्वायर माइनस दो वाई माइनस दो वाई जमा एक। अब इसमें देखो ये चार वाई स्क्वायर है और ये दो वाई है, देखो चार और दो से दो कॉमन आ गया, ये वाई स्क्वायर है और ये वाई है तो एक वाई भी कॉमन आ गया, अंदर कितना आ गया हमारे पास दो वाई माइनस एक, दो वाई माइनस एक, यहां पे माइनस दो वाई, यहां पे हमारे पास माइनस दो वाई प्लस एक, तो माइनस हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, अब ये आ गया दो वाई प्लस का हो गया और एक माइनस का हो गया, तो यहां पे अब देखो दो वाई माइनस एक यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो दो वाई माइनस एक हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, अब यहां से तो बच गया दो वाई और ये सारा का सारा बाहर चला गया, तो अगर सारा का सारा बाहर चला जाता है तो उसकी जगह पे हम एक लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास दो वाई माइनस एक इसका वर्ग, क्योंकि दोनों एक जैसे हो गए ना, तो आप देखो हमारे पास हमें सोल्व करने के बाद हमें क्या मिला दो वाई माइनस एक इसका वर्ग, तो दो वाई माइनस एक इसका वर्ग आप देख लें इनमें से कौन से हमारे पास आ रहा है, ए ऑप्शन में दो वाई जमा है ये चार वाई हो गया, दो वाई माइनस एक इसका वर्ग, तो सी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो गया। मेरे बच्चों इसका, इसको करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना चाहें, जैसे हमारे पास बीजीय सर्व समीकरण होती है a जमा b इसका वर्ग ही होता है, a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab, इसी तरह से a माइनस b इसका वर्ग ये होता है a का वर्ग जमा b का वर्ग माइनस 2ab। अब आप देखें
जैसे ये हमारा सी आंसर है, तो इसको अगर हम करें 2y-1 इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा 2y इसका वर्ग जमा 1 का वर्ग माइनस 2 गुना में 2y और गुना में 1। ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया और ये सूत्र हमने लगा दिया। अब आप देखिए 2 का 2 दूनी 4 और ये y स्क्वायर, 1 एकम 1 और ये 2 दूनी 4, तो ये 4y हो गए। तो पहले 4y स्क्वायर लिख दिया, माइनस के 4y और प्लस का 1। अब आप देखो यही था हमारे पास जो ये था। तो इस तरह से बीजीय सर्वसामिका से भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास जो प्रश्न संख्या 6 है और इसका जो ऑप्शन सही है वो है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 भी प्रश्न संख्या 6 की तरह ही है, इसके भी हमें गुणनखंड करने हैं। तो यहां पे कहा गया है 27-125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर का गुणनखंडन है। तो आप देखेंगे, देखो यहां पे 2 में तो वर्ग आ रहा है और 2 में घन आ रहा है। अब आप देखेंगे यहां पे शक्ति 3 है, शक्ति 3 है और इनमें वर्ग आया हुआ है, तो शक्ति 3 है यानी कि घन है, तो घन में ही आंसर आएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि भाई ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि इनके तो आंसर वर्ग में आएंगे और यहां पे घन भी है, तो इसमें से और इसमें से कोई सा एक आंसर हो सकता है। अब आप देखें, पहले हम ये ले लेते हैं, हमारे पास 2 बीजीय सर्वसामिकाएं हैं, एक तो प्लस के लिए वह है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, और दूसरा है ए माइनस बी इसका क्यूब, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब प्यारे बच्चों आप देखो इसमें सारे प्लस हैं और हमारे सारे के सारे प्लस नहीं है, बीच बीच में माइनस भी है, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि यही चलेगा। अब ये दोनों तो वैसे कट गए, इससे प्लस वाले से सारे प्लस के मिलेंगे तो ये भी कट गया, तो हमारा ऑप्शन ये आ गया। बिना चेक करे भी आप इसको आंसर लगा सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं। चलो ये हो गया 3-5a और इसका क्यूब, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो 3 का क्यूब माइनस 5a इसका क्यूब माइनस 3 गुना 3, a का मान है 3, b का मान है 5a और ब्रैकेट के अंदर a माइनस b यानी कि 3-5a। 3 × 9 = 27, 5×25 = 125, 125 a की शक्ति 3 माइनस 3 × 9 = 45, 45 a और 3-5a, 27-125 a क्यूब माइनस, अब 45 a की 3 के साथ करेंगे, 45 × 135 a और 45 a की -5a के साथ करेंगे तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 45×225 हो गया और a की a के साथ करेंगे तो a स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया हमारे पास। अब आप देखो यही है 27-125 a क्यूब माइनस के 135 a और प्लस के 225 a स्क्वायर, तो d हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 7। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ, और प्रश्न संख्या 8 में है हमारे पास, इसमें कहा गया है कि px किसके बराबर दे रखा है, 3x + 1 का शून्यक है, तो इसका शून्यक आपको निकालना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, 3x + 1 को 0 के बराबर रख दो। अब 3x बराबर है, ये 1 प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, और x बराबर है, जो भी गुना होता है वो बटे में चला जाएगा, जो बटे में होगा वो गुना में चला जाएगा, तो -1/3, तो इसका आंसर आ गया -1/3, तो ये इसका शून्यक हो गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 में है हमारे पास, x + 4 और x + 10 का गुणनफल क्या है, यानी कि x + 4 और x + 10 की आपको गुणा करनी है।
अब देखो पहले आप x की x के साथ गुणा करोगे तो x का वर्ग हो जाएगा, x की 10 के साथ करोगे तो 10x, अब 4 की 4 की x के साथ करोगे तो 4x, और 4 की 10 के साथ करोगे तो 40। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर जमा 14x जमा 40, तो ये इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 9। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। इसमें कहा गया है कि समीकरण 2x जमा 1 बराबर है x जमा 3 का क्या हल है, इसका हल निकालना है यानी कि x का मान निकालना है। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2x जमा 1 बराबर है x जमा 3, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बाहर कुछ और तो है नहीं, तो हमने इसको सिंपली ऐसे ही लिख दिया। अब x वाले एक तरफ कर लो तो 2x तो यहां पे है ही है, ये x इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का x हो गया। इधर देखो 3 पहले ही था, ये 1 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। 2x में से x चला गया यानी कि 2x में से 1x चला गया तो x रह गया, 3 माइनस 1 2, तो ये इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 10। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। प्रश्न संख्या 11 में कहा गया है समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है a 0 2 b 4 0 c 1 1 और d 2 0। तो आपको क्या करना है, x की जगह पे तो ये मान रखना है और y की जगह पे ये मान रखना है और चेक करना है कि बात सही आती है या नहीं। अब x की जगह पे 0 रखा तो 0 बनेगा माइनस 2 गुना में, y की जगह पे 2 रखा बराबर है 4, ये तो 0 ही मना छोड़ दिया इसको, तो 2 दूनी 4 माइनस का 4 बराबर है 4, माइनस 4 और प्लस 4 आपस में बराबर नहीं होते तो ये गलत हो गया। अब इस पे आ जाओ, x की जगह पे 4 रखना है और y की जगह पे 0 रखना है, x की जगह पे 4 रखो 4 माइनस 2 गुना y की जगह पे 0 रखो बराबर है 4, ये तो 4 हुआ, 2 की 0 के साथ करेंगे तो 0 बराबर है 4, तो 4 बराबर है 4, ये बात सही आई यानी कि यही इसका हल है। तो ये प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया और आगे चेक करने की अब आपको जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। x की जगह पे 1 रखेंगे और y की जगह पे भी 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 गुना 1 बराबर है 4, 1 माइनस 2 एकम 2 बराबर है 4, 1 माइनस 2 तो ये माइनस के 1 रह जाए बराबर है 4, तो ये भी गलत हो गया। इसमें x की जगह पे 2 रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे, x की जगह पे 2 रखा माइनस 2 गुना में y की जगह पे 0 रखा बराबर है 4, 2 माइनस 0 बराबर है 4, 2 बराबर है 4, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि हमारे पास बी जो है इसका वो राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि बिंदु 4 1 किस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो वही बात है x की जगह पे क्या रखना है 4 और y की जगह पे 1, ये 4 समीकरण दे रखे हैं, रखते हैं भाई इसमें रखते हैं, x की जगह पे 4 रखा, 4 जमा 2 गुना में 1, y की जगह पे 1 रख दिया बराबर है 5, 4 जमा पहले गुना करेंगे 2 एकम 2 बराबर है 5, 4 और 2 तो 6 होते हैं, 6 बराबर है 5, तो ये तो गलत हो गया भाई। अब इस पे आ जाओ दूसरे पे, b पे रखते हैं, b में x की जगह पे तो 4 ही रखना और y की जगह पे 1, तो x की जगह पे 4 रखा तो 4 प्लस 2 गुना में 1 बराबर है माइनस 6, तो ये तो यही था, देखो आगे वाला तो यही है, तो इससे भी तो 6 ही मिलेगा, 4 जमा 2 बराबर है माइनस 6, 6 बराबर है माइनस 6, तो ये भी गलत हो गया। सी पे आ जाओ, एक्स की जगह पे 4 रखा प्लस 2 गुना में वाई की जगह पे 1 बराबर है 6, 4 जमा 2 6, 6 बराबर है 6, ये आगे तो यही चल रहा है तीनों में, इनसे तो हमें 6 ही मिलेगा, तो ये 6 आ गया यानी कि इसके बराबर आ गया, इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया सही है, 6 बराबर 6 आ गया, तो इसका मतलब सी इसका राइट ऑप्शन है। इसमें रख के देखना चाहो तो रख सकते हो, एक्स की जगह पे 4 2 गुना में वाई की जगह पे 1 बराबर है 16, ये 4 प्लस 2 16, 6 बराबर है 16, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया गलत हो गया। तो ये हमारे पास हो गया प्रश्न संख्या 12। नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 में हमारे पास है यदि किसी घनाभ का आयतन 3x² - 12x है तो इसकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक होंगे। तो कोई घनाभ है हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई घनाभ है तो उसका आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है हमारे पास LBH, ये L, ये B और ये H, तो आयतन होता है हमारे पास, आयतन घनाभ का L गुना में B गुना में H। अब इसने कहा कि क्या क्या हो सकते हैं, क्या ये हो सकते हैं, तो आप इनकी गुना करके देख लो, ये एक को L मान लो, एक को B और एक को H। तो पहले वाला केस ले अगर हम 3 गुना में x गुना में, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं x जमा 4, ये 3x हो गए और ये x जमा 4, 3x की x के साथ करेंगे 3x² + 3 × 12x, तो ये 3x² - 12x, तो ये तो नहीं हो सकता। अब बी पे आ जाओ, अब इनकी गुना करेंगे 3 की गुना में x - 4 की और गुना में x की, तो किसी की भी पहले कर लो किसी की बाद में कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले हम 3 की और x की कर लेते हैं, 3x और अंदर है x माइनस चार, 3x की x साथ करेंगे 3x² - 3 × 12x, तो 3x² - 12x, तो यही तो था हमारे पास 3x² - 12x, ठीक है, बिल्कुल 3x² - 12x, ये हमारे पास बी इसका राइट ऑप्शन आ गया। इसी तरह से सी को और चेक कर लेने के, -3 है गुना में -x है गुना में -x - 4 है, -3 के और -x की करें तो 3x हो गया, प्लस का हो गया, और गुना करनी है -x - 4 की, 3x की -x के साथ करेंगे तो -3x² और 3x की -4 के साथ करेंगे तो -12x, तो दोनों प्लस के बन गए, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये भी नहीं हो सकता। वैसे भी हमें बी से हमारा जो आंसर है वो मिल गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ, और इसमें कहा गया है कि जो बिंदु है हमारे पास 5 - 7 कौन से चतुर्थांश में है। इसका बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, आप देखेंगे इसको, देखो यहां पे, देखो यहां पे हम क्या लिखते हैं x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये मूल बिंदु हो गया। अब आप देखें x और y दोनों प्लस के हैं तो ये प्लस प्लस की जगह है। यहां पे देखो पहले बिंदु में पहले x निर्देशांक होता है फिर y, यहां x डैश है इस जगह पे x डैश और y प्लस का है, तो ये माइनस और प्लस की जगह है, यहां x डैश और y डैश है तो माइनस और माइनस, और x प्लस का है और y माइनस का है। तो अब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, अब ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ, प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो x प्लस का और y माइनस का, देखो यहां x प्लस का, y प्लस का, यहां x माइनस का हो गया, यहां x और y दोनों माइनस के हो गए, तो यहां x प्लस का हो गया और y माइनस का होता है, ऐसे तो पूछा है x प्लस का और y माइनस का। किसी में कोई भी बिंदु लिखा हो तो उसमें ये x निर्देशांक, पहले x निर्देशांक लिखा होता है और फिर y निर्देशांक, तो आपको अगर डैश है तो डैश का मतलब नेगेटिव, और सिंपल है तो इसका मतलब पॉजिटिव, तो इसको आपको सिर्फ सिंपल ये ध्यान रखना है। तो कौन से x प्लस का और y माइनस का, यानी कि कौन से चतुर्थांश में हो गया, चौथे चतुर्थांश में हो गया, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास फोर्थ चतुर्थांश। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 14। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ, इसमें कहा गया बिंदु 00 जहां x अक्ष और y अक्ष परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, देखो ये हमारा x अक्ष और ये हमारा y अक्ष, थोड़ा तिरछा हो गया लेकिन आप समझ लेना, तो
या फिर हम दोबारा बना लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये हमारे पास x अक्ष है और ये हमारे पास y अक्ष है, ऐसे करते हैं हम x x डैश लिख लेते हैं, यहाँ y प्लस और यहाँ y माइनस, ये जहां पे दोनों मिलते हैं वहां पे हम O लिखते हैं, यानी कि ये जीरो जीरो है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, बिंदु जीरो जीरो जहां x अक्ष और y अक्ष परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु, उसे मूल बिंदु कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है हमारे पास सोलह, बिंदु माइनस चार माइनस तीन का भुज और कोटि क्या है, जो x निर्देशांक है वो तो है भुज और जो y निर्देशांक है वो है कोटि। तो इसका भुज हो गया माइनस चार, देखो x बराबर है माइनस चार और कोटि हो गया इसका माइनस तीन, वाई बराबर है माइनस तीन। तो पहला ही हमारा ऑप्शन है जो इसका राइट ऑप्शन है। ध्यान रखेंगे पहले वाला भुज x निर्देशांक भुज और y निर्देशांक कोटि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ, और इसमें कहा गया है कि बिंदुओं 00, 02, 22 और 24 को मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो कैसी आकृति आपको प्राप्त होगी जब हम इनको मिलाते हैं। तो यहां से हम प्रयास करते हैं इसको बनाने का। देखो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से ले लेते हैं और यहां पे भी हम लगा लेते हैं। तो ये हमारा x x डैश y और y डैश, 0, 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3, -4, -1, -2 और ये प्लस के हैं 3 और ये -1, -2, -3। अब देखो 0, 0, 0, 0 हमारे पास ये रहा। उसके बाद है x0, y2, y अक्ष पे x का मान 0 होता है, तो x 0 है y अक्ष पे मिलेगा, y2 ये रहा। उसके बाद है x2, y2, x2 ये रहा, y2 इसकी सीध में यहां पर चले जाएंगे, और x2 है y0 है, y का मान 0 x अक्ष पे होता है, तो x2 ये रहा, y0 यहीं पे मिलेगा। तो जब हम इसको मिलाते हैं तो ये थोड़ा आप इसको देख लेना, यहां से ये ऐसे मिल गया, यहां से ये ऐसे मिल गया और ये यहां से ऐसे मिल गया। तो आप देखेंगे यहां से यहां तक भी देखो 2 है, 1 और 2, यहां से यहां तक भी 2 है, यहां से यहां तक भी 2 है, यहां से यहां तक भी 2 है। तो ये कैसी आकृति आपको प्राप्त होगी, सारी भुजाएं बराबर है और समान दूरी पर है, कोण भी 90 डिग्री के हैं क्योंकि रेखाएं बिल्कुल सीधी हैं। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, वर्ग, क्योंकि ये सारी यहां से यहां तक भी 2, 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 तो ये हमें वर्ग प्राप्त हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ, इसमें कहा गया है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, त्रिभुज कैसी भी त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार की त्रिभुज हो, उसकी कोई सी भी दो भुजाएं आप लेंगे, उनका जो जोड़ होगा, उनका जो योग होगा वो तीसरी भुजा से अधिक होता है, ज्यादा होता है, बड़ा होता है, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है या ज्यादा होता है या फिर बड़ा होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ, और प्रश्न संख्या 19 में कहा गया, पूछा गया है हमसे कि
एक आयत के विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आयत के जो विकर्ण है वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 19। 20वें प्रश्न में पूछा गया है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो यह आकृति क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर 8 में आपके पास जिसका नाम है चतुर्भुज, इसमें चतुर्भुजों से संबंधित बहुत सारे गुण हैं। आप इस चैप्टर का जो सारांश है वो जरूर पढ़ लें, क्योंकि आपको यहां से एक या दो प्रश्न इस तरह के अवश्य आपको मिल जाएंगे। यहां कहा गया है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण आ गया समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो यह आकृति क्या है। समांतर चतुर्भुज, वर्ग, सम चतुर्भुज और समलंब। तो यह आकृति हमारे पास क्या हो जाएगी? सम चतुर्भुज। तो ये आपने प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। तो अगर आप देखें यहाँ पे सारांश में, आप इन सारांश को बहुत अच्छे से, 8वें चैप्टर का ये सारांश है, इसको इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास है जो सम चतुर्भुज के विकर्ण है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद भी करते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में भी बांटते हैं। समद्विभाजित तो अगर आप देखेंगे समद्विभाजित तो समांतर चतुर्भुज में भी करते हैं। समांतर चतुर्भुज जो हमारा परस्पर समद्विभाजित भी तो यहां पे भी करते हैं, लेकिन समकोण पर नहीं करते। समकोण में किसमें करते हैं? समकोण में हमारे पास सम चतुर्भुज के केस में समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये होगी हमारे पास प्रश्न संख्या 20। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम इससे आगे के जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 21 से लेके और 40 तक के, उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन की और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप गणित विषय में परफेक्ट होंगे और उतनी ही आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज है, वो बढ़ती चलेगी और आपकी गणित विषय में रुचि भी बढ़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।